जो सवाल है यहां पर कि भारत का बुनियाद क्या है, भारत का बुनियाद है इंडिया, यह बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। भारत का बुनियाद है इंडिया, और वो जो इंडिया है वो इंडिया एक सोच है, और वो सोच को हमको एक एक कार्यकर्ता को अपने व्यवहार में लेकर के आना पड़ेगा। अगर हम महात्मा गांधी का उदाहरण आपके सामने रखें तो किस तरह का एग्जाम्पल हमको देखने का मिलता है। गांधी जी ऐसे नहीं थे कि बुनियाद भारत के कार्यक्रम में आए हैं, कर्नाटक में सरकार भी है तो थोड़ा फोटो वोटो खिंचा करके चल देंगे, ऐसे नहीं होगा। ये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं। गांधीवादी तरीका यह है कि चंपारण में जब किसान लड़ रहे थे तो गांधी जी शहर छोड़ करके चंपारण चले गए, वहीं आश्रम बना दिया, महीनों तक लड़ते रहे और अंग्रेजों को धूल चटा दिया। ये गांधीवादी तरीका है। 100 समस्याएं होंगी, 1000 समस्याएं होंगी। बतौर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तभी मजबूत हो सकता है जब यूथ कांग्रेस और NSY मजबूत होगा, इस बात का संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और वो मजबूती कैसे होगी? वो मजबूती ऐसे होगी, गांधीवादी तरीके से होगी, कि हम एक समस्या को उठाएंगे, लगातार आंदोलन करेंगे और जब तक सरकार और प्रशासन को झुका ना दें अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। ये तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जब आप आंदोलन जीतते हैं, जब आप संघर्ष को जीतते हैं तो टिकट का सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद लोगों को इस देश के इतिहास को दोबारा जाकर के देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। अभी कलाकार ने आजादी की बात की, हाथों की आजादी की बात की, देश की आजादी की बात की, तो एक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता को गर्व से यह बात कहनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं और आजाद देश में आजादी को बचाएंगे भी। इस बात को हमको याद रखना है। जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गया है। उसके बाद श्रीमती गांधी बिहार गई थी, जहां से मैं आता हूं, वहां पे एक नरसंहार हुआ था और श्रीमती गांधी हाथी पे बैठ करके गई थी शोषितों से मिलने के लिए, उन नरसंहार के जो पीड़ित थे उन परिवारों से मिलने के लिए। और उनके साथ हाथी पे बैठी हुई एक महिला थी, जिस महिला का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसीलिए हम कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। आज आप यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, NSY के कार्यकर्ता हैं, आपको कर्म करने की जरूरत है। और हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है अपने विचार पर चलना। और हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है इस देश का संविधान, संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके रखना चाहते हैं। इसीलिए जब ये विचारधारा हमारे पास है, इस देश को आजादी दिलाने का इतिहास हमारे पास है, और आज के वक्त में हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के सिपाही हैं। हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, और उनको डरने की जरूरत नहीं है जो किसी के खिलाफ गलत नहीं किए हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो डरें, जो सत्य पर चलते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक निडर सिपाही की तरह जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष की मुखर आवाज बने हैं, उस आवाज को हमको घर घर पहुंचाना होगा। और इस देश की जो बुनियाद है, भारत की जो बुनियाद है, वो इस देश की संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उस प्रस्तावना को हमको घर घर लेकर के जाना पड़ेगा।